तो व्हाट्सएप दोस्तों, आज हम देखेंगे व्हाट्सएप के अंदर अनलिमिटेड मैसेज कैसे सेंड करते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर रखा है और वहाँ पे ये मैंने कोड चलाना है। लेकिन अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो कोई बात नहीं, मूवी में आपको बता दूंगा कि ये कोड कैसे चलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो, वहाँ से ये पाइथन फाइल आपको मिल जाएगी, उसके बाद उसे आप डाउनलोड कर लो। और उसके बाद पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ और बाद में दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे रन कर सकते हो। अब जानिए टेक्नोलॉजी की बात टेक आईकी के साथ। तो मैं पहले से इसकी डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ये अब कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर मांग रहा है, मैसेज हम पहले लिख देते हैं और 10 बार हम भेजेंगे इस मैसेज को। और अब मैंने कर दिया एंटर। तो अब ये ऑटोमेटिकली सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप पहले व्हाट्सएप ऐप को ऑटोमेटिकली पहले आप करके रखो लिंक। और अब ये देख लो आप, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरे 10 मैसेज भेज देगा। ठीक है दोस्तों, अब 10 मैसेज चले गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको कैसे रन करना है अपने लैपटॉप के अंदर। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है पाइथन डाउनलोड। तो आपको सिर्फ इतना टाइप करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी python.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाना है। और उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपको टॉप पर दिख जाएगा, 3.10, मेरा शायद 3.8 या 9 है। तो आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो, शायद आपको zip फाइल मिलेगी या exe फाइल मिलेगी, जो भी मिले आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर आइडियली ये पाइथन आइडियली आ जाएगा। उसके बाद आपको इस ऐप को खोल लेना है और यहाँ पे आपको जाना है फाइल के अंदर और यहाँ पे ओपन फाइल करनी है। और जो आपने फाइल डाउनलोड किया मेरे इंस्टाग्राम ओ सॉरी टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ से उस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, whatsapp.py फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रन का ऑप्शन दिखेगा, रन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही सेम काम कर रहा है जैसे वहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है पाई ऑटो जी वाई, यहाँ पर ये आपको दिक्कत दे सकती है। तो आपको क्या करना है, CMD पर जाना है और यहाँ पे लिखना है pip install पाई ऑटो जी यू आई, ओ सॉरी स्पेस नहीं देना, जी यू आई, ओके, ये आपको लिख देना pip install पाई ऑटो जी वाई। और उसके बाद ये आपको इंस्टॉल कर देगा। मेरा नहीं किया है, इसने एरर दे दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मेरा पहले से डाउनलोड हो रखा है, तो अगर होगा तो नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तो डाउनलोड कर देगा। उसके बाद अगर pip की भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है कि अगर वो कह रहा है कि pip इज़ नॉट ए कमांड, कुछ ऐसा करके लिख के आएगा, तो आपको यहाँ पर जाना है। वैसे तो पाइथन के साथ ही आजकल pip आ जाती है, ऑलरेडी डाउनलोड होती है, लेकिन अगर नहीं आई है तो आपको सर्च करना है pip डाउनलोड। उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट पर चले जाओ और वहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा ये वेबसाइट geeksforgeek.org, यहाँ पे चले जाओ। जो आपने यहाँ पर देखा है वही आपको वैसे ही फॉलो करना है। उसके बाद pip आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद पाई ऑटो जी ओ आई आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप आइडियली पर जाना, अपनी फाइल खोलना, उसके बाद यहाँ पे रन करना, उसके बाद F5 रन हो गया, उसके बाद नंबर एंटर करो, उसके बाद मैसेज एंटर करो, उसके बाद आपको सब कुछ पता ही है। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आप 1 करोड़ बार मैसेज सेंड कर दो और आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए या आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाए। तो मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम रन कर दिया, मान लीजिए कुछ भी मैसेज लिख देते हैं और मान लो मैंने 50 टाइम्स लिख दिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं हम। तो ये देखिए अब
स्टार्ट होगा। ये देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंड वाले बटन पर मेरा माउस टिका हुआ है। अब मैं इसे ड्रैग करूँगा और ये दोबारा वहाँ पे आ जाएगा। मैं दोबारा ड्रैग करता हूँ तो ये दोबारा वहाँ पे आ जाएगा। मैंने दोबारा किया, दोबारा वहाँ पे आ गया। अब ये जो माउस है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसके कंट्रोल में है। अब मान लो आपने गलती से 1,00,000 बार या 1,00,00,000 बार आपने मैसेज सेंड कर दिया, तो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करोगे तब तक उसका मैसेज आ गया। देखो, तो मैं कह रहा था कि अब आप इसे स्टॉप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो आपको फटाफट ड्रैग करके ऊपर क्रॉस कर देना है। और तो ऐसे अगर लीव आ रहा है तो फटाफट लीव पर क्लिक कर दो, तो जल्दी जल्दी करना है। और उसके बाद यहाँ प्रोग्राम पे एरर आ जाएगा और बंद हो जाएगा। तो ये ट्रिक है कि कैसे इसे बंद करना है। तो ये सिर्फ फ़न के लिए है और ऐसे किसी को परेशान नहीं करना। सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ट्राई करो और किसी भी रेंडम पर्सन से बात करो, अच्छी बात है। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल और Telegram चैनल को फॉलो करो। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और अगर आपको ऐसा ही कोई और प्रोग्राम या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो पाइथन से बन सकती है, या आपकी कोई भी डिमांड है, तो कमेंट करके आप बता देना।